Hello everyone, this is your friend Ravi, and welcome to my channel The Heavy Engine. Now this video is regarding my entire journey from Bangalore to Pune and somewhere to Mumbai as well. So इस video में मैं अपने आप को introduce कर रहा हूँ, my vlogging, my motor vlogging, my experience till Pune and so far to Mumbai as well. तो इसमें मैं introduce करूँगा कि मेरा कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, कैसी रही journey, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे जो कि मैंने नहीं लिए, एंड वो सब कुछ जो कि ज़रूरत है एक एंटायर 1000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने की। बेस्ट बात ये है कि इस जर्नी को मैंने 14 घंटे में कवर किया, जो कि कहीं ना कहीं मुमकिन नहीं है फॉर अ बिगनर एज अ राइडर, पर मैंने फिर भी कोशिश की कि मैं इस चीज़ को कवर अप करूँ, और कहीं करावत सही सलामत ये हो भी गया। सो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगा और एंटायर जर्नी आपने मज़े में बिताई मेरे थ्रू, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। द नेम ऑफ माई चैनल इज़ द हैवी इंजन THE। मैंने इस चीज़ को डिफाइन करने की कोशिश की है क्योंकि द इट्सेल्फ इज़ अ वर्ड विच गिव्स यू अ सुपीरियर पार इन द एंटायर स्टेटमेंट, और इन अ वर्ड इसके आगे आप द लगा दो तो वो अलग ही डिफाइन कर देता है। So I thought to define this THE as a okay. So pehla stage mera rest and mere bike ka experience. तो rest बहुत ज़रूरी था, और उससे ठीक एक रात पहले मेरा office था, because I'm an engineer and मेरी night shift भी थी, so उसकी वजह से मुझे सुबह 7 बजे निकलना था क्योंकि मैं नहीं निकल पा रहा था, तो मुझे सोना ज़रूरी था। तो मैंने सोचा कि मैं ऑफिस में ही बैठ के अपना ये सारा चीज़ कवर कर लूँ, जो कि मैंने किया। तो कि अगर मैं रेस्ट नहीं लेता तो ऑब्वियसली डिस्टेंस कवर करने में दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि ये छोटा मोटा डिस्टेंस तो था नहीं। सो मिला जुला के मैं 3 या 4 घंटे सोया, और उसके बाद मैंने अपनी बाइक की सर्विसिंग वगैरह एक रात पहले या एक दिन पहले करा ली थी, विच वॉज गुड, जो कि डिसीजन सही था मेरा। तो फाइनली चलिए देखते हैं। Thank you.
कौन है? ओके सो पुणे पहुंचने के बाद और वहां रेस्ट लेने के बाद मैंने सोचा कि एक दिन में ही मैं पुणे से मुंबई ट्रैवल करूंगा और उसे कवर अप करके अगले दिन आ जाऊंगा। सो मैंने ऐसा किया, मैं सुबह दोपहर के 12 बजे पुणे से निकला और हम लोनावला होते हुए मुंबई पहुंचे। बट इस बीच में लोनावला एन अमेजिंग प्लेस कहूँगा, क्योंकि वहाँ पर नेचुरल ब्यूटी है, पेड़ पौधे, बारिश, रोड इतने अमेजिंग है कि आप देखकर खुश हो जाओगे। मुझे ऑब्वियस था कि पुणे से पुणे और उसके आगे मुंबई जाने तक में जो रोड थी, जो आसपास का एरिया था, वो बहुत अमेजिंग था, बट लोनावले के कंपेयर कुछ भी नहीं। यहाँ से मुंबई तक की जर्नी में लोनावला वॉज द बेस्ट प्लेस आई हैव विजिटेड देयर। सो हम वहाँ से पहुँचे और लोनावला कुछ इस तरीके का था। उतर रहा था नीचे। आजा नीचे, आजा चलते। मुझे नहीं जाना भाई। ओके सो पुणे का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। फिर मैंने सोचा कि मैं पुणे से अब मुंबई के लिए निकलता हूँ। हमने आई गेस एक डेढ़ दो घंटे के आसपास वहाँ टाइम स्पेंड किया, सनराइज़ देखा और हम वहाँ से निकल चले मुंबई के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट नो दैट एक्सप्रेस वे में बाइक्स वर नॉट अलाउड एंड अनफॉर्चुनेटली आई मेट विद कॉप्स। दीज कॉप्स ट्रस्ट मी डिमांड फॉर 2,500 बक्स फॉर गेटिंग टू दिस हाईवे। अब मैं आपको बता दूँ कि ये कॉप्स इतने करप्ट हैं कि ये छोड़ेंगे नहीं आपको, आपको डराएंगे कि आप नहीं दोगे तो पुलिस में भर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। एंड आई थॉट कि मुझे यहाँ एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि लोगों को दिखा सकूँ कि ये लोग लीगली 2,500 वहाँ फ़ाइन नहीं है बट ये लोग फिर भी डिमांड करते हैं। सो ये देखिए किस तरीके से मैं वहाँ से वीडियो बनाता हूँ, मुझे कुछ लोग देखते भी हैं ये वीडियो बनाते हुए। एंड देन लेटर ऑन आई सेड कि हाँ ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आने वाले कुछ लोगों को जिनको पता नहीं है कि मुंबई और पुणे के बीच में जो एक्सप्रेस हाईवे पड़ता है उसमें बाइक्स अलाउड नहीं है, क्योंकि उस हाईवे पे कहीं भी इंट्रोड्यूस नहीं किया हुआ था कि बाइक्स वर नॉट अलाउड, और अगर होगा भी तो शायद वो कहीं पेड़ और इस पे वलामन हाईवे, आई डोंट नो वेयर एम आई बट आई हैव एंटर्ड इनटू रॉन्ग प्लेस, आई डोंट नो बट आई एम गोइंग टू फाइन ओवर 2,500 फॉर गेटिंग इनटू नो एंट्री ऑन मुंबई टू पुणे हाईवे। आई डोंट नो व्हाट्स द नेम ऑफ इंस्पेक्टर, सो आई विल पे ऑफ ओवर हियर 2,500। I'm making this video in order to tell you that if you get into this Pune and Mumbai highway, you'll have to pay 2,500. So these are the people. I did not find even a single board while coming from Pune to Mumbai so that I could show you that this path is not allowed for two-wheelers. So I'm gonna pay you, I'm gonna pay them 2,500. Let's see what will happen anyway. By that time, I'll pay it off. Show this video everywhere. These guys ask me for how much you can pay
responsible, how much you can pay, but I'm just trying my best to do it. Thank you. Okay, so finally we reached Mumbai. और वहाँ पहुँचने के बाद मेरी फ्रेंड ने उसके फ्रेंड को बुलाया और हमने कहा कि हमारे पास 2-3 घंटे का टाइम है एंड अर्ली मॉर्निंग 4 or 5 हम यहाँ से निकल चलेंगे. सो लेट्स गो टू अ प्लेस वेयर वी कैन टेक रेस्ट ऑलमोस्ट फॉर 2-3 आवर्स और अर्ली मॉर्निंग हम यहाँ से निकल चलेंगे. सो वो हमें मरीन ड्राइव पर ले गया. मरीन ड्राइव ट्रस्ट में इतना शांत है और रात में यू विल फाइंड मैनी पीपल ऑल अराउंड इवन एट नाइट टाइम, बट उतनी भीड़ नहीं रहती जितना दिन में रहता है. सो फाइनली हम वहाँ पे 3-4 घंटे स्पेंड करते हैं और वहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद फिर मैं वहाँ से निकल चलता हूँ मुंबई के लिए दोबारा. और ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था. आप मुंबई जाएँ तो मरीन ड्राइव ज़रूर पहुँचे. वैसे बहुत जगह थी घूमने फिरने के लिए बट मेरे पास टाइम नहीं था बिकॉज एक रात की जर्नी थी एंड आई थॉट कि मैं इसको कवर करके यहाँ से निकल चलता हूँ. सो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था और मुंबई पहुँचे तो मरीन ड्राइव जरूर देखें. फिलहाल वेदर बहुत अच्छा हो रहा है. आई शुड कवर दिस वेल. यस, आप लोगों को दिख रहा होगा. यस, इट्स गुड, इट्स गुड. क्या बात. कुछ आ तो रहा नहीं. तो दिख भी नहीं रही है. Don't need somebody to know the dance.